मेरा बेटा 23 तारीख को IOC रोड सिपारा पटना से कोचिंग के लिए गया, अभी तक घर नहीं आया। थाना बेउड़ है हम लोग का, वहाँ जाते हैं थाना 6 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, कोई पुलिस दरोगा कोई सुन नहीं रहे। अच्छा। यदि बड़ा घड़े का बेटा रहता तो अभी तक पुलिस बैठे रहते, उसे तो ढूंढ कर कहीं से ले आते। अच्छा, थाना जाते तो क्या कहा जाता? थाना बोलता है कि अब जाइए घड़े, हम कुछ क्या कर सकते हैं। पासी की गोतिया है, उससे दुश्मनी था, झगड़ा लड़ाई एक महीना पहले भी हुआ था। वही बोला था, धमकाया था कि तुम्हारा बेटा का मरवा दूंगा। अच्छा। वही 1 महीना 2 महीना पहले बात ऐसा, मेरा बेटा पढ़ने गया, वहाँ से आज तक नहीं है। यदि गरीब के बाल बच्चा है तब नहीं लोग ऐसे कर रहे बाबू, यदि बड़ा बाबू का बच्चा रहता तो अभी तक तो ढूंढ के ले आते, कहीं से न कहीं से तो वो बच्चा मिल जाता। मगर हम लोग का गरीब का बच्चा कोई करवाई कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में अगर मंत्री और विधायक जी का जूता और चप्पल गायब हो जाता है तो पुलिस उसे 24 घंटे में ढूंढ कर निकाल लेती है, पर बिहार में कोई इंसान गायब हो जाए, आम इंसान, तो उसे पुलिस को ढूंढने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई सदी लग जा सकते हैं, कई कुछ भी एक्सप्लेन करना असंभव नहीं है कि कब तक लगेगा। अगर आप थाने जाइएगा तो पुलिस वाले कहेंगे, डांट कर आपको भगा देंगे और कहेंगे जाइए, मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। ऐसे में ही एक हमारे साथ में महिला है जो राष्ट्रीय जनता दल के जनता दरबार में भी आ चुकी है। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। क्या मामला है बताइए? मामला यही है कि मेरा बेटा 23 तारीख को IOC रोड सिपारा पटना से कोचिंग के लिए गया, अभी तक घर नहीं आया। थाना बेउड़ है हम लोग का, वहाँ जाते हैं थाना 6 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, कोई पुलिस दरोगा कोई सुन नहीं रहे। अच्छा। सब SP SSSP गांधी मैदान सब से मिल चुके, एप्लीकेशन 2-4 वर्ष अगड़ो दे दिए, कोई कहीं कुछ नहीं मेरे बेटे को खोज खबर कर रहे। यदि बड़ा घड़े का बेटा रहता तो अभी तक पुलिस बैठे रहते, उसे तो ढूंढ कर कहीं से ले आते। अच्छा, थाना जाते तो क्या कहा जाता? थाना बोलता है कि अब जाइए घड़े, हम कुछ क्या कर सकते हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो घर जाइए, यही बात बोलते हैं थाना में। हो सकता है कोई किसी से दुश्मनी होगा इस वजह से? हाँ, दुश्मनी था। अच्छा। पासी की गोतिया है, उससे दुश्मनी था, झगड़ा लड़ाई एक महीना पहले भी हुआ था। वही बोला था, धमकाया था कि तुम्हारा बेटा का मरवा दूंगा। अच्छा। वही 1 महीना 2 महीना पहले बात ऐसा, मेरा बेटा पढ़ने गया, वहाँ से आज तक नहीं है। 6 महीना हो गया है। अच्छा। नहीं SP साहब सुन रहे हैं और नहीं थाना कोई सुन रहा है बाबू। अच्छा। हम तो रोज गुहार लगा रहे हैं, 6 महीना से दौड़ रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर। अब एक ही गुहार है कि DHP साहब से आसरा है, उन्हीं के पास एप्लीकेशन डालेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि अपने स्तर से खोज दीजिए मेरे बच्चे को। अच्छा। अब नहीं खोजेंगे तो FIR किए हैं आप? हाँ, FIR तो हम 24 तारीख के किए। 24 तारीख को, यानी 6 महीना पहले की? पहले की। हाँ। और थाना जाते हैं तो आपको डांट कर फटकार कर भगा देते हैं, है ना? हाँ, वहाँ से। हाँ, थाना बड़ा बाबू है, सब बोलते हैं कि अभी कर रहे हैं, जाइए अपना घर, आपके पास काम नहीं है, रोज रोज दौड़ ला जाती है, ऐसा ही बोल के सब हमको भगा। हाँ। यदि गरीब के बाल बच्चा है तब नहीं लोग ऐसे कर रहे बाबू, यदि बड़ा बाबू का बच्चा रहता तो अभी तक तो ढूंढ के ले आते, कहीं से तो वो बच्चा मिल जाता। मगर हम लोग का गरीब का बच्चा कोई करवाई कुछ नहीं हो रहा है। हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में आपने RJD के जनता दरबार में भी आए थे, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए, वहाँ का भी रजत सिर्फ कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं आज तक ले हुआ, 2 महीना हुआ। अच्छा, मंत्री जी से मिले तो क्या बोले मंत्री? राष्ट्रीय दरबार में भी गए, जनता दरबार में भी गए, वहाँ भी बोले कि एप्लीकेशन दे दिए, बोलिए कि जाइए घर, चले आए घर लौट के। अच्छा। वहाँ से भी कोई कुछ हमको आशा नहीं मिला, यानी कि एप्लीकेशन और आश्वासन ही मिलता? हाँ, बस उसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2-3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा। यही बड़ा वाला लड़का है। तो सोचिए, बिहार में कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बिहार में मंत्री और विधायक जी का जूता और चप्पल गायब हो जाता है तो उसे 24 घंटे में खोज कर निकाल लिया जाता है, पर एक आम इंसान गायब हो जाता है तो अगर उस पुलिस से मिलने भी जाते थाना में तो वो डांट कर भगा देती है।
आप बिहार पुलिस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।